में अपहृत किशोरी बरामद न होने के बाद हिंदुवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया। मथुरा के थाना राया क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से 3 दिन पूर्व गायब किशोर का सुराग नहीं लगने के कारण तमाम हिंदुवादी संगठनों ने थाना राया का घेराव किया। 3 दिन व्यतीत होने के बाद हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम तमाम हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता थाना राया पहुंचे और लापता किशोरी बरामद करने और आरोपियों की गिरफ्तारी व उनके खिलाफ लव जिहाद व अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने बताया कि शनिवार तक पुलिस किशोरी को बरामद नहीं कर पाती तो आंदोलन को बाध्य होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना राया के गांव से नाबालिग किशोरी प्रतिदिन मथुरा ट्यूशन जाती थी। 17 सितंबर को नाबालिग किशोरी मथुरा पढ़ने गई, राया नहीं आई। शाम तक वह गाँव वापस नहीं लौटी, उसकी सब जगह तलाश किया। बाद में जानकारी मिली उसे गाँव के विशेष समुदाय का युवक बहला फुसला कर ले गया है। परिजनों ने जिसकी शिकायत थाना राया पुलिस में की। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्दी किशोरी को सही सलामत परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। राया क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उसमें से एक हिंदू नाबालिग लड़की जो मुसलमान कई सालों से लगभग पीछे पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पर उसने हिंदू नाम से आईडी बनाई और उसके बाद उस लड़की के पीछे लग गया। अभी वो 17 तारीख को लड़की मथुरा कोचिंग के लिए गई है और वो रास्ते में से लेके उसे गायब हो गया है। 17 तारीख को ही प्रथम सूचना पुलिस प्रशासन को मिल चुकी है। 4 दिन हो गए, लड़की का कोई पता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब से फोन पे लगातार हिंदुवादी संगठनों की बात हो रही है। मैं भी आज थाने पे आई हूँ। लापरवाही वाला जवाब हमेशा मिल रहा है हमें। फोन पे भी यही मिला और आज भी यही मिला है कि हमें 3 दिन का समय चाहिए। आप बताइए, हिंदुवादी सरकार योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि लव जिहाद जैसी हरकतों को यहाँ झेला नहीं जाएगा, उसके बाद भी ये हरकतें हो रही है। लव जिहाद का एक स्पेशल एक्ट बनाया है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि स्पेशल एक्ट बनाया है उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और मैंने FIR पढ़ी है, वो मैं आप सब लोगों को अवगत करा दूंगी, FIR दिखा दूंगी। उसमें लव जिहाद का कोई एक्ट इन्होंने लगाया नहीं, जबकि नाबालिग लड़की है, उसके घर परिवार में से एक दो लोग इन लोगों ने बिठा रखे हैं। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो 12 से 14 घंटे में लड़की को बरामद करा सकता है। 4 दिन हो गए, अभी तक लड़की बरामद नहीं कराई है। अगर लड़की को कुछ होता है, और अभी भी 3 दिन का समय मांगा जा रहा है, लेकिन हम लोग और उसके पिताजी, लड़की के पिताजी, 3 दिन का समय देने को तैयार नहीं है। हमारी तरफ से कल शाम तक का इनको समय दिया गया है। अगर कल शाम तक लड़की हमें अच्छे से अच्छी स्थिति में अगर बरामद नहीं होती है, हम स्वतंत्र हैं और ये भी स्वतंत्र हैं। जो हमें करना होगा फिर हम करेंगे। हिंदुवादी सरकार में मुख्यमंत्री तक जाएंगे, लेकिन लड़की हमें सुरक्षित चाहिए। और मैं ये मांग करती हूँ कि सिर्फ लड़की के लड़के के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखना चाहिए, उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार, खानदान सब शामिल है। हमें पता चला कि गाँव में कई परिवार उसके रहते हैं और लड़की को जैसे ही तुरंत वहां से गायब किया है, लड़की वालों को बाद में पता चली है और पुलिस को बाद में पता चली है। उससे पहले तो लड़के वालों ने अपना परिवार खाली कर दिया है, वहां से सब लोग भाग गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा पूरा परिवार इसमें सम्मिलित है, मिला हुआ है। इस वजह से पूरे परिवार, खानदान, जितने लोग इसमें मिले हुए हैं, कम से कम 15 से 16 लोग हैं, सबके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और अच्छे पॉक्सो एक्ट में होनी चाहिए, लव जिहाद एक्ट में होनी चाहिए और सबको जेल के अंदर डालना चाहिए और लड़की हमें सुरक्षित बरामद चाहिए पुलिस प्रशासन से।